बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत होंगे। स्टूडेंट्स आइए आज हम अपने लेक्चर नंबर 18 का आगाज करते हैं, जिसमें हम रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। रेडिकल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हम आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट के अंदर हो। स्टूडेंट गिवन इक्वेशन को आप नंबर 1 का नेम दें, गिवन इक्वेशन को आप नंबर 1 का नेम दें। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको इजी बनाने के लिए आप इस वेरिएबल को राइट में ले जाएं, इस तरह इसकी वर्किंग इजी हो जाएगी। तो ये कहेगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। हमारा जो वेरिएबल एक्स है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, यानी स्क्वायर रूट से इसको आजाद करना है। तो स्क्वायर रूट से आजाद करने के लिए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहां आप ये सेंटेंस लिखेंगे कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 एंड इट्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 3x प्लस 100। राइट हैंड में हम a प्लस बी का स्क्वेयर ओपन करेंगे, a स्क्वेयर मीन 4 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन x स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर इज 16, एक्स स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर, 2 4s are 8, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो जी 8x। स्टूडेंट 3x को 8x के पास ले जाएं, 100 को 16 के पास ले जाएं, यानी तमाम टर्म्स को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करें, तो राइट हैंड में कोई टर्म नहीं बची, इसका मतलब जीरो बचा। स्टूडेंट हम लिखेंगे पहले प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर हम लिखेंगे प्लस 8x, फिर इस प्लस को लिखेंगे जो कि राइट में आगे माइनस 3x बन जाएगा, फिर हम ये लिखेंगे प्लस 60 लिखेंगे, 100 को राइट में शिफ्ट किया तो ये माइनस 100। एक्स स्क्वेयर 8x माइनस 3x, स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा जी, प्लस 5x, 16 माइनस 100 माइनस 84 इक्वल टू जीरो। लेफ्ट में लिखना है लेफ्ट में लिख दो, राइट हैंड साइड में लिखना है तो राइट हैंड साइड में लिख दें। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। स्टूडेंट अब हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और उनको माइनस करें तो वो 5 आए, तो वो बनेंगे 12 and 7। 12 और 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट लें तो 84 आता है, उनको अगर माइनस करें 12 और 7 को तो 5 आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर्स क्या बने जी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से x कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद क्या हमें मिला, x प्लस 12 माइनस 7x माइनस 84 से माइनस 7 कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट अगेन क्या कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 12 अगेन कॉमन कह रहा जी, x प्लस 12 और x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इन दोनों फैक्टर्स को x प्लस 12 और x माइनस 1 दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू जीरो होगा, या स्टूडेंट के x माइनस 7 जो है वो जीरो होगा। 12 को राइट में शिफ्ट करें
ये x इक्वल टू -12, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू x की आ चुकी है। 7 को राइट में शिफ्ट करें तो ये आपकी x की सेकेंड वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट, इन दोनों x की वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। इन दोनों रूट्स को हमने वेरीफाई करना है क्या वो इस रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है कि नहीं है, तो हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस को नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे जी कि पुट एक्स इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट जहां जहां एक्स है वहां वहां आप 7 पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख ले 3x+100 स्क्वेयर रूट -x इक्वल टू 4। अब आप इस x में स्टूडेंट के 7 पुट करेंगे तो स्क्वेयर रूट 3 × 7 -100 स्क्वेयर रूट x में 7 पुट करेंगे इक्वल टू 4। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 21 और +100 -7 = 4। 100 में 21 प्लस किए तो 121 -7 = 4। स्क्वेयर रूट ऑफ 121 11 होता है, -7 = 4। 11 - 7 = 4। ये बात तो ट्रू है स्टूडेंट कि 4 4 के इक्वल होता है। ये कहें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। एक्स की ये जो वैल्यू है 7, ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा, इस इक्वेशन का एक्चुअल सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट हम एक्स की सेकंड वैल्यू को भी वेरीफाई करेंगे कि क्या ये इस रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसको भी नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे जी पुट एक्स इक्वल टू -12 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे स्क्वेयर रूट 3x+100 रेडिकल साइन -x = 4। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स में आप ये -12 पुट करेंगे, स्क्वेयर रूट 3 × -12 +100 -x में भी -12 पुट करेंगे इक्वल टू 4। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया -36 +100, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +12 सेम एज इक्वल टू 4। -36 + 100 तो ये 64 आएगा +12 = 4। 64 का स्क्वेयर रूट 8 है +12 = 4। 8 + 12 क्या होगा जी 20 = 4। स्टूडेंट 20 = 4 के नहीं है, 24 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा सलूशन नहीं है, ये हमारा सलूशन नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। हम इसे क्या कहेंगे जी, एक्सट्रेनियस रूट। क्यों एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे कि एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल नहीं आया। तो ए रूट विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ऐसी रूट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो स्टूडेंट आपका जो सॉल्यूशन सेट क्या बना, तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन सेट है और ये जो है आपका -12 ये आपका एक्सट्रेनियस रूट है। ये जो -12 है ये आपका जी एक्सट्रेनियस रूट है और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी।
आइए स्टूडेंट अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट हो चुकी है। टाइप 2 ये है कि राइट हैंड साइड में भी रेडिकल साइन होगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी रेडिकल साइन होगी। इससे पहले जो टाइप थी क्वेश्चन 1-4 उनमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रेडिकल साइन थी, राइट हैंड साइड में नहीं थी। और इसमें आप देखेंगे कि इनकी जो पार है वो 1-1 होगी। इनकी जो पार होगी यानी कि रेडिकल साइन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन होगी। राइट हैंड में भी रेडिकल साइन होगी, लेफ्ट हैंड में भी रेडिकल साइन होगी और इनके अंदर जो होगी स्टूडेंट कि वो लीनियर एक्सप्रेशन होगी। तो स्टूडेंट इसको नंबर 1 कहते हैं, गिवन इक्वेशन को नंबर 1 का नेम देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस किया है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां हम दोनों साइड का स्टूडेंट क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस पाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60 एंड इट्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर हम ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 जिसको हम ए स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 जिसको हम स्टूडेंट बी स्क्वायर कहते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा एक्स प्लस 60। स्टूडेंट मैंने ये फार्मूला यूज किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट मैंने ये फार्मूला यूज किया है, इसको ए कहें इसको बी कहें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा एक्स प्लस 21 टू इन टू। स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएगी, सिंगल स्क्वायर रूट में आ जाएगी। तो ये कहेगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो ये एक्स प्लस एक्स स्टूडेंट ये कहेगा जी 2x, 5 प्लस 21 ये कहेगा जी 26 प्लस 2 इंटू। स्टूडेंट एक्स को एक्स प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 21 से किया मल्टीप्लाई 21x, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105 इक्वल टू एक्स प्लस 60। स्टूडेंट इस 2x को भी राइट में शिफ्ट करें, 26 को भी राइट में शिफ्ट करें तो लेफ्ट में सिर्फ ये बचेगा कि 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 21x प्लस 5x 26x प्लस 105 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। 2x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस 2x, 26 को राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस 26। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। स्टूडेंट 60 में से 26 माइनस करेंगे, 60 माइनस 26 ये आएगा 34। एक्स माइनस 2x ये क्या आएगा जी माइनस x, 60 माइनस 26 34, एक्स माइनस 2x माइनस x। स्टूडेंट अभी तक मेरा जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर है,
तो मैंने वेरिएबल को स्केयर रूट से आजाद करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो अगेन मैं क्या लूंगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये देखें जी, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट टू स्केयर फोर होगा, और ये स्केयर इस स्केयर रूट को खत्म कर देगा। तो ये एक्स स्केयर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, यहां पर आप ए माइनस बी का स्केयर लगाएंगे, फार्मूला कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं 34 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई एक्स। स्टूडेंट 4 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा जी, 4x स्क्वेयर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई किया 104x, 4 को 105 से मल्टीप्लाई किया 420, 34 का स्क्वेयर लिया 1156 आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर 34 को 2 से और एक्स से मल्टीप्लाई किया 68x। स्टूडेंट अब इन तमाम टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 4x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड में आगे माइनस एक्स स्क्वेयर आएगी। अब हम एक्स वाली टर्म्स पकड़ेंगे प्लस 104x, इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे 68 को तो ये बन जाएगा 68x प्लस 420, 1156 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1156 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट 4x² माइनस x² 3x² प्लस 104 प्लस 68 प्लस 72x, 420 माइनस 1156 ये आएगा माइनस 736 इक्वल टू जीरो। दिस इज ए कॉल्ड इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से कॉमन भी कोई नहीं आ रहा, इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, तो मजबूरन हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां याद रखिएगा कि यहां देखिएगा जी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर को ए कहें और कोफिशियंट ऑफ एक्स को बी कहें और कांस्टेंट को आप सी कहें, ठीक है स्टूडेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स के को ए। अब लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता ही है, वो क्या है स्टूडेंट कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि यहां पर जो है ना ए बी सी की जो है वैल्यूज पुट करनी है, तो ये एक्स इक्वल टू स्टूडेंट बी की वैल्यू कितनी है, बी जो है 172 है, तो यहां लिखेंगे माइनस 172 प्लस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर का मतलब 172 स्क्वेयर, तो 172 स्क्वेयर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू माइनस 36 है, तो तीनों मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 4a कितना है स्टूडेंट 3 है और सी कितना है 736 है, ओवर में क्या आएगा जी, ओवर 2 इंटू स्टूडेंट्स ए कितना है आपका, देखिए जी स्टूडेंट ए कितना आपका जी, ये देखिए ए कितना है आपका जी, वो 3 है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस स्केयर रूट। स्टूडेंट अब हम इनके स्क्वेयर ओपन करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे जी। स्टूडेंट 172 का स्क्वेयर क्या होगा, 29,500
584, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 736 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 स्टूडेंट ये आएगा 8832। कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्टूडेंट 8832 को और 29584 को आप ऐड करेंगे 38416 आएगा ओवर 6 स्टूडेंट। फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस 38416 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 196 ओवर 6 है स्टूडेंट। इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, ये 6 आएगा। अब हम इसको वन टाइम प्लस करेंगे वन टाइम माइनस है, तो माइनस 172 प्लस 196 ओवर 2 और माइनस 172 माइनस 186 ओवर 2 एक्स इक्वल टू 196 माइनस 172 ट्वेंटी, यहाँ स्टूडेंट 6 आना है, सॉरी देखिए यहाँ 6 था, तो 196 में से 172 माइनस किया तो 24 ओवर 6 और माइनस 196 माइनस 172 6 प्लस 2 8 9 प्लस 7 16 1 प्लस 1 2 और ये 3 माइनस 368 ओवर 6 इसको 6 पे काटा तो स्टूडेंट 4 आएगा, इसको आपने 2 पे काटा तो ये, इसको 2 पे काटा तो 3, इसको 2 पे काटा तो माइनस 184 आएगा स्टूडेंट। आपकी वैल्यू का ही माइनस 184 ओवर 3 स्टूडेंट, ये एक्स की टू वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको वेरीफाई भी करें क्या ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 4 इन नंबर 1, नंबर 1 में जहां जहां एक्स है स्टूडेंट आप क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। देखिए यहां 4 पुट करें, स्क्वायर रूट 4 प्लस 5, फिर स्टूडेंट प्लस इस एक्स में भी 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 21 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 स्टूडेंट, मैंने एक्स में 4 पुट किया तो 4 प्लस 1 9, 4 प्लस 21 25, 4 प्लस 60 64, 9 स्केयर रूट 3, 25 स्केयर रूट 5, 64 स्केयर रूट 8, तो 8 इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट ट्रू, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, ये वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। इसी तरह हम माइनस 184 ओवर 3 को भी वेरीफाई करेंगे क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा क्या नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस 184 इन नंबर 1, नंबर 1 में जहां जहां एक्स है आप माइनस 184 माइनस 184 ओवर 3 पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट इस एक्स में आप माइनस 184 ओवर 3 पुट करेंगे तो माइनस 184 ओवर 3 प्लस 5 और प्लस स्केयर रूट इस एक्स में भी माइनस 184 ओवर 3 पुट करेंगे प्लस 21 इज इक्वल टू इस एक्स में भी माइनस 184 ओवर 3 पुट करेंगे प्लस 60। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। अब स्टूडेंट यहां से एलसीएम के 3 एलसीएम माइनस 184 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 3 एलसीएम स्टूडेंट यहां 3 एलसीएम 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 को माइनस 184 से मल्टीप्लाई किया तो वही 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63
इज इक्वल टू स्टूडेंट थ्री एलसीएम आ रहा है, थ्री क्या आ रहा है जी एलसीएम, थ्री को थ्री पे डिवाइड किया वन, वन को 84 से मल्टीप्लाई किया 84, थ्री को 60 से मल्टीप्लाई किया 180, स्टूडेंट माइनस 184 प्लस 15 माइनस 169 ओवर थ्री, फिर इसको माइनस किया तो ये माइनस 184 प्लस 63 माइनस 121 ओवर थ्री, स्टूडेंट इसको हमने माइनस किया तो ये माइनस 4 ओवर थ्री, माइनस 4 कैसे है माइनस 184 को 180 से माइनस किया, स्टूडेंट ये माइनस 169 का स्केयर रूट 13, 3 का स्केयर रूट नहीं निकलता, ये नेगेटिव साइन है तो हम आयोटा लगाएंगे, याद रखिएगा कि माइनस 169 का स्केयर रूट 13 आयोटा आएगा, बट पॉजिटिव 169 का स्केयर रूट 13 होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ लगी होगी। इसी तरह स्टूडेंट ये देखें कि माइनस 121 का स्केयर रूट 11 आयोटा ओवर स्केयर रूट 3 आएगा, 121 का स्केयर रूट 121 का स्केयर रूट 11 होता है, मगर 121 माइनस का स्केयर रूट प्लस 11 आयोटा होता है, तो स्टूडेंट ये कहेगा माइनस 4 का स्केयर रूट ये 2 आयोटा ओवर 3, 2 आयोटा ओवर 3 यानी माइनस 4 का स्केयर रूट 2 आयोटा होगा, तो स्टूडेंट एलसीएम क्या है स्केयर रूट 3, तो 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2/3 आयोटा, 13 प्लस 11 24 आयोटा ओवर स्केयर रूट 3 इक्वल टू 2/3 आयोटा, स्टूडेंट देख लें ये इक्वल नहीं आया तो नॉट ट्रू, स्टूडेंट चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं है तो ये नॉट ट्रू, इसका मतलब है स्टूडेंट ये हमारी एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारी क्या है एक्सट्रेनियस रूट है क्योंकि इसने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपका सॉल्यूशन सेट सिर्फ क्या आएगा स्टूडेंट सिर्फ 4 आएगा, आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा सिर्फ स्टूडेंट क्या आएगा जी 4 आएगा, और ये जो है ना आपका माइनस 184 ओवर 3 ये आपकी एक्सट्रेनियस रूट है, ये आपकी क्या है जी एक्सट्रेनियस रूट है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल उसी पैटर्न का है कि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड में क्या है रेडिकल साइन है, तो इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट क्या करेंगे स्केलिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वेयर लेंगे, तो स्केयर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर रूट एक्स माइनस 2 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ स्केयर रूट एक्स प्लस 6। स्टूडेंट इस पर ए प्लस बी का स्केयर लगाएंगे, वो देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यहां हम ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्टूडेंट इसको ए समझे इसको बी समझे, तो ए स्क्वेयर मीन स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन स्केयर रूट एक्स माइनस 2 स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू स्केयर स्केयर रूट को खत्म कर देता है, स्केयर स्केयर रूट को खत्म कर देता है, तो ये स्केयर स्केयर रूट को कैंसिल करेगा एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर स्केयर रूट को कैंसिल करेगा एक्स माइनस 2 प्लस 2। स्टूडेंट स्केयर रूट ए मल्टीप्लाई स्केयर रूट बी ये दोनों स्केयर रूट कंबाइन हो सकते हैं, सिंगल स्केयर रूट में जा सकते हैं ए बी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहां भी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 सिंगल स्केयर रूट में आएंगे और ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस एक्स ये क्या होगा जी 2x, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। स्टूडेंट x प्लस 1 को x माइनस 2 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x प्लस 1 को x माइनस 2 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस 2 आएगा, मैंने x प्लस 1 और x माइनस 1 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है
इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि जो है आपकी जी इसको राइट में शिफ्ट करेंगे। स्टूडेंट ये टर्म इस टर्म को भी और इस टर्म को भी हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या करेंगे स्टूडेंट के शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा कि 2 इन 2 ये लिख रहा हूं स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसको राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस 2x। इस माइनस 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे प्लस 1। 2 इन टू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। स्टूडेंट 6 प्लस 1 7 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स 6 प्लस 1 7 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स। स्टूडेंट अभी तक मेरा जो है ना वेरिएबल वो स्केयर रूट के अंदर है, तो वेरिएबल को स्टूडेंट स्केयरिंग ऑन बहुत सारे लेंगे। ये मैंने लेफ्ट हैंड का स्केयर भी लिया और राइट हैंड का भी स्केयर लिया। 2 स्केयर स्टूडेंट 4 आएगा, स्केयर स्केयर रूट को कैंसिल करेगा तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू यहां पर लगाएंगे ए माइनस बी का स्केयर। ए स्केयर मीन 7 स्केयर, बी स्केयर मीन एक्स स्केयर माइनस 2 ए बी माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स। उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी आपको। 4 को मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। 7 स्क्वायर क्या आएगा जी 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को भी 49 को भी और माइनस 14x तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14x लेफ्ट में बन गया प्लस 14x माइनस 8 49 लेफ्ट में आके बन गया माइनस 49 इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x प्लस 10x माइनस 8 माइनस 49 माइनस 57 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 50 ये कॉर्ड इक्वेशन बन चुकी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टूडेंट ये कॉर्ड इक्वेशन बन चुकी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो स्टूडेंट 57 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट क्या आएगा 171। क्या आएगा स्टूडेंट ये 171। 57 को 3 से मल्टीप्लाई किया 171। ऐसे टू फैक्टर्स लें जिनको मल्टीप्लाई करें 171 आए, माइनस करें तो स्टूडेंट 10 आए। तो मेरा ख्याल है कि वो बनेंगे 19 और 9 बनेंगे। 19 और 9 ऐसे टू फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 171 आएगा, माइनस करें तो 10 आता है। तो ये क्या बनेगा 3x के प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से x कॉमन आया तो ये क्या आएगा जी 3x प्लस 19। यहां से x कॉमन आया तो ये अच्छा x स्टूडेंट 3x के प्लस 19 से x कॉमन आया माइनस 9x माइनस 57 से स्टूडेंट 3 कॉमन आया 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगेन क्या कॉमन आया 3x प्लस 19 तो 3x प्लस 19 कॉमन और फिर कॉमन के बाद x माइनस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर लें 3x प्लस 19 इक्वल टू 0 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी माइनस 19 ओवर 3।
यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3। स्टूडेंट देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको वेरीफाई करना है क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को जो x की हैं इनको वन बाय वन इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन नंबर वन। नंबर वन में स्टूडेंट जहां जहां आपका x दिखाई दे रहा है ना, वहां वहां आप ये 3 पुट करें। तो ये क्या आएगा, स्केयर रूट 3 प्लस 1 और प्लस स्केयर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां भी x में 3 पुट करें, 3 प्लस 1। स्टूडेंट 3 प्लस 1 4 होता है, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, स्केयर रूट ऑफ 4 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 1 स्केयर रूट ऑफ 9 3, तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट देख लें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, ये सॉल्यूशन सेट है, यानी ये ट्रू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसको नॉन एक्सट्रेनियस रूट भी कहते हैं, यानी ये सॉल्यूशन सेट में आएगी। अब सेकंड वैल्यू क्या है स्टूडेंट, कि एक्स इज इक्वल टू -19/3, इसको भी पुट करें नंबर वन में करें, जहां जहां एक्स है वहां वहां -19/3 पुट करेंगे, स्केयर रूट -19/3 +1 प्लस स्केयर रूट -19/3 -2 इज इक्वल टू, यहां भी एक्स में स्केयर रूट -19/3 +6। तो स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 LCM, 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 1 को -19 से मल्टीप्लाई किया -19, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस, स्टूडेंट इधर एलसीएम क्या आएगा, 3 LCM, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को -19 से मल्टीप्लाई किया -19, 3 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 6 इक्वल टू, स्टूडेंट यहां भी एलसीएम 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को -19 से मल्टीप्लाई किया -19, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 18। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी, -19 प्लस 3 -16/3 एंड स्क्वायर रूट प्लस -19 -6 -25 ओवर 3 एड स्केयर रूट -19 प्लस 18 -1/ स्केयर रूट 3। स्टूडेंट मैं पहले बता रहा था कि -16 का स्केयर रूट 4 आयोटा आता है, -25 का स्केयर रूट 5 आयोटा होता है। स्टूडेंट -16 का स्केयर रूट क्या आएगा दी, 4 iota over square root 3 प्लस -25 का स्केयर रूट 5 iota over square root 3, -1 का स्केयर रूट याद रखना ये भी अयोटा होता है, तो अयोटा ओवर स्केयर रूट 3। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट याद रखेगा कि +16 का स्केयर रूट 4 होता है, -16 का स्क्वायर रूट 4 आयोटा होता है, 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा आपने। स्टूडेंट एलसीएम क्या है, स्क्वायर रूट 3 LCM, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा 9 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट ये तो इक्वल ही नहीं आए, तो यहां हम लिखेंगे नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये क्या है जी, एक्सट्रेनियस रूट है, द रूट
which does not satisfy the given equation is called extraneous root. तो इसका मतलब हमारे solution set में सिर्फ ये आएगी, ये value नहीं आएगी, ये value आएगी, ये value नहीं आएगी. तो student solution set क्या हुआ, 3 और -19/3, ये क्या है जी, ये extraneous root है. स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी है. स्टूडेंट आज के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पिक कर चुके होंगे. किसी किस्म का इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं. स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, बट जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसके ऊपर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बिल्कुल नहीं मिलेंगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस, हमारी वीडियोस आप तक आसानी से तक पहुंचती रहे तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो वाइंड अप हुआ, हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा जी. तब तक जी अल्लाह हाफिज़.